सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, प्रभु जब मुस्कुराते हैं तो ये प्रकृति, ये जीवन खिल उठता है। लेकिन जब प्रभु की एक भी टेढ़ी नजर हो जाए तो ऐसी सुनामी आती है महाराज के सारे वैज्ञानिक फेल हो जाएं इसके सामने, सारा मौसम विभाग फेल हो जाता है। एक सुनामी आ जाए सब कुछ, 15 मिनट भी अगर आ गई तो सब कुछ हिला देती है। मौसम विभाग वाले भी कहते हैं पता नहीं क्या हुआ। तो ऐसे परमात्मा का स्वरूप है जो हर समय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। कभी आपने किसी मंदिर में देखा है ठाकुर जी को कभी गंभीर मुद्रा में देखा है? हर समय मुस्कुराते रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि मैंने इस मनुष्य को ही एक ऐसा गुण प्रदान किया है कि ये हंस सकता है। अच्छा, ये बात तो हमें भी लगती है। अगर किसी, आज तक कभी ऐसा देखा नहीं कि किसी गधे को हंसते हुए देखा हो, किसी कुत्ते को हंसते हुए देखा हो, ठहाके लगाते हुए देखा, देखा कभी? क्योंकि ये गुण प्रभु ने मनुष्य को प्रदान किया है कि तुम प्रसन्न रह सकते हो, तुम आनंद में रह सकते हो, तुम मुस्कुरा सकते हो, तुम हंस सकते हो। आनंद का स्वरूप जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन हमें आनंद काहे में आता है? बर्गर खाने में क्या कहते हैं, आनंद आ गया। बिहारी जी पर गए थे, टिक्की खा के आए, आनंद आ गया। लस्सी पीकर आए, आनंद आ गया। तो ये कौन सा आनंद है? संसार की कोई भी वस्तु कभी जीवन में हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकती, पहले तो ये बात समझिए। थोड़ी देर के लिए हमें सुख प्रदान कर सकती है, लेकिन सुख में और आनंद में बड़ा अंतर है भैया। क्योंकि सुख जो है वो दुख के साथ जुड़ा हुआ है, और आनंद जो है वो परमानंद के साथ जुड़ा हुआ है, परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए आनंद तो तभी आएगा जब प्रभु के श्री चरणों में प्रीत हो जाएगी। आनंद तो तभी आएगा जब प्रभु का नाम सुनने को अच्छा लगेगा। आनंद तो तभी आएगा जब प्रभु के दर्शन आंखों से हो जाएंगे। आनंद तो तभी आएगा जब प्रभु को प्रणाम करने का सुअवसर प्रदान होगा। आनंद तो तभी आएगा जब हम बिहारी जी के मंदिर में जाकर दोनों हाथ उठाकर बोलते हैं जय जय श्री राधे।